Ma'am Gayatri Singh, accompanied by Ma'am Anju Mahindru. अभी सच आएगा. एक्चुअली कहीं ना कहीं मैंने जिस तरह की औरतें देखी हैं अपने घर में, कहीं ना कहीं मैं रांची से छोटा सा शहर आप जानते हो, तो कहीं ना कहीं गांव में पलाना, तो वहाँ जिस तरह की औरतें होती हैं, अगर संपन्न समाज संपन्न घर हो उसकी बात की थी, कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ाव होता है. फिर बड़े परिवार से आते हैं, इन्हें महारानी कहते हैं. लेकिन जिस तरह से जिंदगी को ये जी रही है, जिस तरह से अपने घर को उन्होंने संभाल के रखा है, क्यों? क्योंकि ये कारोबारी परिवार की, तो कारोबार की लड़ाई बाहर थी और कहीं ना कहीं जिंदगी की लड़ाई भी, उस लड़ाई को कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कायदे से लड़ा. और सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई ऐसी लड़ी गई कि कभी भी कोई शर्मिंदा नहीं. हम दुश्मन भी थे तो इस कायदे से कि जब हम मिले तो फख्र तो रहा कि हम दुश्मन थे, वो फख्र कहीं ना कहीं रहा है. Mr. Ajay Chaudhary as Mr. Vikram's son at Baldev, character in Baldev. बलदेव इन दोनों के बड़े बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं. तो और कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जो दौर रहा था जब ये बड़े हो रहे थे, तो समय का हिंदुस्तान अलग था और कहानी हाटलाई की ये दो हालात और भी अलग थे. तो वो जब ये जब बड़े हो रहे थे, रुतबा अपने आप में बड़ी कमाली थी और उस पर दौलत आ जाए और उस पर ताकत आ जाए, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा ही रहा होगा. तो कहीं ना कहीं इस कहानी को हमने जो चक्रव्यूह नाम दिया है, उस चक्रव्यूह के चक्रव्यूह होने का कारण ये, इनकी वजह से वो चक्रव्यूह रचा गया. तो ये चक्रव्यूह रचा गया है. अगर मैं ज्यादा बोल जाऊंगा तो फिर मुझे लोग कहेंगे तुमने कोई कहानी बता. तो कम कहता हूँ ज्यादा समझता. Our firebrand Sakrupa being played by Narayani Shastri. अनामी और सकरूपा वो होता है जैसे आप रोटी बना रहे होते हैं तो उसको गोल गोल बनती लोई कहते हैं, क्या कहते हैं लोई कहते. तो जो भी कैरेक्टर समझ लें तो एक ही आटे से निकाले दो कैरेक्टर है. अगर वो मिट्टी है तो सकरूपा और अनामी एक दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में ही वो जिद है कि माँ बेटी. तो कहीं ना कहीं अनामी का बड़ा रूप है, इनका यंगर वर्जन अनामी. दोनों में जिद वही है, लड़ाई वही है, जीतने की और तेवर, जीतने की ख्वाहिश और जिंदगी से जो एक्सपेक्टेशन है जीरो. क्यों? क्योंकि जिंदगी हम रचें, हमें जिंदगी नहीं रचेंगे. दोनों की कहीं ना कहीं ये खासियत है कि हम जिंदगी रचने लिख रहे हैं और हम किस्मत को भी वो मौका नहीं देंगे कि वो हमारी किस्मत लिखे, हम खुद लिखेंगे. इन दोनों किरदारों में ये एक सिमिलैरिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और एक्चुअली इनसे मैं सीख रहा हूँ. We do not have Praneeth Chaudhary being played by Julian in the movie. We call Karishma on stage as his wife and Anami ki chachi. We go with Hindi Rani Bolti. Pujan, ये जो couple है actually. कहानी में हर कहानी में कहीं रोशनी होती है, कहीं अंधेरा होता है और कहीं एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ रोशनी भी जरा सी होती है और अंधेरा भी जरा सा होता है. तो पूजन की जिंदगी एक्चुअली ऐसी है कि वो ना पूरे रोशनी में है ना पूरे अंधेरे में, जैसे हम ग्रे कैरेक्टर हैं. लेकिन वो है कि उसकी जिंदगी में कामयाबी उसके करीब तक आती है, जैसे वो गले मिलने जाता है कामयाबी से, कामयाबी पीठ दिखा के निकल जाती है. तो उसके जिंदगी में वो सारी खुन्नस दिक्कतें वो सब कुछ है, लेकिन उसको वो जाहिर बड़े अच्छे से करता है. ये दो चीज़ें, एक जाहिर और एक बातें. बातें में जो उसका दर्द है कहीं ना कहीं उसको मुस्कुराहट उसने बना लिया, तो इसलिए वो चामर है. वो जहाँ रहता है चीज़ें ऐसी करता है कि मज़ा बहुत आता है, मौज होती है, लेकिन खतरा बना रहता है.
क्यों हंसने की कीमत तो देनी पड़ती है। Last but not the least, our very very baagi Anami. Anami, कहाँ से शुरू करूँ? क्योंकि actually चक्रव्यूह की शुरुआत इस एक नाम से हुई थी। जब किसी ने पहली बार सुना Anami, तो कहा क्या नाम है? तो तुम किस तरह का नाम बता रहे हो Anami? कुछ अच्छा नाम रखो यार। तो actually Anami 2015-16 जब भी जरा अजीब किस्म की जद्दोजहद में था, तो एक कैरेक्टर अगर आप राइटर हैं तो आपके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपके भीतर से ही कुछ लोग निकलते हैं और आपको सहारा दे के वो पार करा देते हैं, वो गलियारों से निकाल जाते हैं जो कि मुश्किल था। तो मेरे भीतर वो Anami थी, शायद उसने वो सारी चीज़ें ले ली और अपने आप को गजब का किरदार बना लिया, जिसके लिए दिक्कतें ऐसा नहीं था कि दिक्कतें उस तक आती थी, वो दिक्कतों तक चली जाती थी। अच्छा परेशानी हमें आ रही, इस तरह का एटीट्यूड था, इसलिए Anami Anami है। और एक्चुअली Anami के लिए जो शुरुआत पहली लाइन ही मैंने लिखी थी उनकी समझो बहुत अच्छा बोल दिया, जरा सी बगावत के लिए पैदा हुई है Anami, तो जरा सी बगावत Anami में है। और ये जरा सी बगावत का होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर हमारा दिल लहू थूक भी रहा है तो वो हर वक्त मौत से बगावत कर रहा है, सांसों को चलने के लिए हर वक्त बगावत करनी होती है। तो इसने ये बगावत सीख ली है और इसकी परवरिश इस तरह की है कि बिना बगावत के चल ही नहीं सकती। और हाँ, ये मैं अगर एक लाइन में मुझे Anami के बारे में कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि पीपल के पेड़ दो तरह के होते हैं, एक गार्डन में लगते हैं और एक पहाड़ों में। गार्डन में जो लगा होता है उसकी जड़ें गिरी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसको पानी वाली दे देता है, लेकिन जो पहाड़ पर लगा होता है उसे जमीन तक पहुँचना होता है। Anami भी है जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंचती है पानी के लिए, वो एक रोज पानी पीने के लिए उसकी जड़ें पाताल तक जाती है, इसलिए वो Anami है।